द्वारा गुरु का ताल की दो दशक तक सेवा संभालने वाले संत बाबा साधु सिंह मोनी और संत बाबा निरंजन सिंह की याद में गुरुद्वारा गुरु के ताल पर 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक 3 दिवसीय 37वां गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा। संत बाबा प्रीतम सिंह की उपस्थिति में गुरुद्वारा गुरु का ताल प्रबंधक समिति ने समागम आयोजन का पोस्ट विमोचन कर जानकारी साझा की। नाम दलजीत सिंह सेतिया, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए बुलाई गई कि आज गुरुद्वारा गुरु के ताल में 1, 2 और 3 अक्टूबर को 37वां गुरुमत समागम अपने सम्माननीय संत साधु सिंह जी मोनी एवं संत बाबा निरंजन सिंह जी की याद में करवाने का जो प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है, उस कड़ी में ये 37वां समागम किया जा रहा है। जनरली जब बुजुर्गों की या साधु संतों की याद में बरसी मनाई जाती है, लेकिन इस बरसी को ये गुरमत समागम के नाम से यहाँ मनाया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरमत प्रचार की बात की जाती है, कथा कीर्तन द्वारा संतों को जोड़ा जाता है और अपनी श्रद्धांजलि उन महापुरुषों को दी जाती है जिन्होंने अपना सारा जीवन इस स्थान के लिए अर्पण कर दिया। जब साधु सिंह जी मोनी से स्थान पर आए थे तो ये स्थान पर एक छोटा सा कमरा हुआ करता था और आज आप देखिए कि उनके द्वारा बनाए हुआ रास्ते पे चलते हुए, उसके बाद संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और अब संत बाबा प्रीतम सिंह जी, जथेदार रजिंदर सिंह जी अंदौरिया अपने संपूर्ण जथे के साथ हर रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम, नई चीज इस स्थान पर बनाते रहते हैं संतों के लिए। इस स्थान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान से बगैर किसी धर्म के भेदभाव के पब्लिक आती है, नतमस्तक होती है, लंगर ग्रहण करती है और निवास करती है। खास करके बच्चे जो आते हैं जिनके पास स्थानों में जगह नहीं होती, इस स्थान से उनको स्थान भी दिया जाता है, लंगर भोजन और जिस चीज़ की भी व्यवस्था होती है वो दी जाती है। आज के इस प्रोग्राम में जो 1 तारीख से होने जा रहा है, पंजाब से, दिल्ली से और कई जगह से संत महात्मा रागी जत्थे प्रचारक आएंगे। मेरी सभी आगरा निवासियों से और जो भी सुन रहा है उनसे हाथ जोड़ के ये सबन निवेदन है कि आप अपना कुछ समय इस प्रोग्राम में जरूर आकर अपनी शिरकत करें और प्रभु की खुशियां प्राप्त करें। जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर मुसलमान जो गुरु प्यारी साहब साहब जी जो सालाना गुरमत समागम 1, 2, 3 अक्टूबर हर वर्ष किया जाता है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान रागी जथे कथावाचक पधार रहे हैं। वो अपने अपने अच्छे अच्छे विचार संतों से वो सुनाएंगे और उस समागम में 1 तारीख को शाम को कवि दरबार होना है और 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेके 2-3 बजे तक दोपहर समाप्ति हो जाएगी और शाम को फिर 2 अक्टूबर को शाम को रह रास से प्रारंभ होकर के 12-1 बजे तक समागम चलेगा और 3 अक्टूबर को सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर तक समागम संपन्न हो जाएगा। जो है गुरमत समागम रिका रखा गया है, ये 1, 2, 3 अक्टूबर 2024 को है। सभी संघ से संगठन बेनती है कि आप इस समागम में हाजिरी भरें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारों सहित गुरु की खुशी आए, गुरु के दरबार में आके कथा कीर्तन श्रवण करके अपना जीवन सफला करें और आई संगत के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे लंगर में मिष्ठान पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, जो आई संगत सभी उनको वितरण किया जाएगा और बहुत अच्छा लंगर तैयार किया जा रहा है। सभी से निवेदन है आप इस समारोह में हाजिरी भरें। गोविंद सिंह दास को हमारा उससे और 1 तारीख से 3 तारीख तक जैसे हर वर्ष होता है बड़े बाबा जी और बाबा मुनि जी और बाबा नरेंद्र सिंह जी की याद वो एक फिर दोबारा से 1 से 3 अक्टूबर तक मनाना हो रहा है। इसलिए देश भर के रागी जत्थे भी आ रहे हैं, सात संगत भी आ रही है। एक सिख सात संगत की एक खासियत होती है कि वो सेवा भाव के साथ आते हैं,
जैसे सारे खाने की सेवा जो है वो तराई के इलाके के सेंटर में, तो उस तरीके से एक भव्य आयोजन हो रहा है पूरे आगरा वासियों से निवेदन है, जरूर आए। एक सबसे विशेष सूचना कि 3 तारीख को सुबह 9 बजे अमृतसर जा रहे हैं, जो भाई गुरु का सिख बनना चाहते हैं, जो अमृत छकना चाहते हैं, वो सब जने सुबह 9 बजे दर बदर तैयार हों बिल्कुल। और साथ ही साथ जो हमारे पंथ के महान कीर्तनीय जत्थे हैं, जिसमें भाई मेन रूप से भाई अमनदीप सिंह जी, हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब, भाई हरजोत सिंह जी जत्थी जी, जो कि हमेशा हर साल सेवाएँ देते हैं और बहुत शानदार कीर्तन है उनका, वो खुद आ रहे हैं। सिंह साहब यानी अमरेश सिंह जी, जो यहीं से सीखे थे, यहीं पर एक शिक्षा के विद्यार्थी भी रहे, उसके बाद इस समय वो हेड ग्रंथ के गुरुद्वारा सीसगंज साहब, जो मेन जगह हमारा जो दिल्ली में है, उसके वो भी सेम आ रहे हैं। और उसके साथ जत्था सोमनाथ सिंह जी रोनिया वाले पंजाब, जो कि पुरातन तरीके से और कीर्तन करते हैं, वो भी सब लोग आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल और सात्विक माहौल बनने की संभावना है, वो तभी पॉसिबल है जब सारी सात संगत आके और उसका लाभ उठाए।